पिछले कल हमने एक बेहतरीन एक्टर को खो दिया। श्रीदेवी के बाद नरेंद्र झा की अचानक मौत ने सभी को हिला कर रख दिया है। उनके फैंस के साथ साथ ऋतिक रोशन को भी काफी बड़ा झटका लगा है। हाल ही में ऋतिक ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, मेरे लिए ये खबर सदमे से कम नहीं है। आपको हमेशा याद करेंगे, भगवान मेरे दोस्त को शांति प्रदान करे। बता दें, नरेंद्र झा ऋतिक के साथ काबिल फिल्म में नजर आए थे, जिसमें इन्होंने दमदार पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, नरेंद्र ऋतिक की फिल्म मोहनजोदड़ो में भी नजर आ चुके हैं। नरेंद्र 55 साल के थे और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए अपने फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां ये घटना घटी। वहीं बात करें ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्मों की, तो वो जल्द ही सुपर 30 में नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक यशराज की एक्शन फिल्म में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर होंगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।